बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। और इसके इसके जो जहाँ तक फजाइल फायद का ताल्लुक है, तो इसका पहला एक फ़ायदा बड़ा अच्छा है, वो ये है कि अगर ऑफिस में इंसान जाता है, जॉब पे जाता है, ये किसी हाकिम के पास जाता है, अदालत में मुकदमे में जाता है और डर है कि इसके खिलाफ फैसला ना हो जाए या ये कि इसकी बात सही ना सुनी जाए, तो फरमाया कि एक मरतबा रोज़ाना तिलावत करके जाए। जॉब करने वाले रोज़ एक मरतबे उसकी तिलावत करके जाएं, इंशाल्लाह जॉब में उनको इज्जत मिलेगी, बॉस उनके साथ बहुत शफकत का मामला करेगा और वहाँ पे इसको कोई भी जो है तकलीफ नहीं पहुँचेगी। इसकी इसकी जो है तमाम इसकी जरूरत है, बड़ी जरूरत होती है। लोगों के सवाल लोग अक्सर कहते हैं जी हमारे जॉब पे बड़ी पॉलिटिक्स चलती है और मैं सीधा साधा आदमी हूँ, परेशान होता हूँ, क्या करूँ, तो सूरत नबा तिलावत करके जाए, कोई माई का लाल इसकी बैली निगाह नहीं उठाएगा, ऐसा मुजर्रा वजीफा है। और दूसरा मतलब ये है कि अगर किसी की आंखों की बिनाई का मसला है, बिनाई कम है या ये और तेज करना चाहता है, तो असर की नमाज के बाद 3 मरतबा तिलावत करे। अच्छा। तिलावत करके अपनी आंखों के उंगलियों के पोरों पे दम करके आंखों पे मल ले, और अगर अरके गुलाब है तो अरके गुलाब पे दम करके रख ले और आंखों में डाल लिया करे, तो असर के बाद 3 मरतबा तिलावत करना आंखों की बिनाई को तेज करता है। सुभान अल्लाह, ये इसके अंदर जबरदस्त फायदा जी। और एक फायदा इसके अंदर यह है कि अगर रोजाना 1 मरतबा तिलावत करें, रोजाना 1 मरतबा तिलावत करें, तो फरमाया कि किसी भी किस्म की कोई परेशानी घर के अंदर अगर आई हुई है तो परेशानी नहीं आएगी, जो आई हुई है तो खत्म हो जाएगी। क्या बात, जाहिर है कि रोज लोग डरते हैं परेशानी कोई ना जाए, बुरी खबर ना सुन लें, तो लिहाजा रोजाना 1 मरतबा तिलावत का इसका इहतमाम घर में रखें तो घर हर तरह की बुरी खबर से महफूज रहेगा। बहुत खूब, ये इसके फवायद, बहुत जरूरी बातें हैं जो हमारी जो वेबसाइट है रहम टीवी की, वो इन किस्म के सवालात से भरी हुई भरी पड़ी है, भरी पड़ी बिल्कुल, और ये जवाब है, ये जवाब है जी। और ख्वाब में ताबीर का जहाँ ताल्लुक है, इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व ताला उसको इल्म और इज्जत अता फरमाएंगे और लोगों में महबूबियत नसीब होगी। अच्छा। लोग सब उससे मोहब्बत की निगाह से सब उसको देखेंगे। और दूसरा मतलब है कि अल्लाह तबारक व ताला इसको नेकियों और भलाइयों की तौफीक देंगे और आखिरत में अल्लाह तबारक व ताला इसके दुनिया में हर किए का बेहतरीन बदला अता फरमाएंगे जी। और तीसरा मतलब यह है कि इसकी तिलावत से अल्लाह तबारक व ताला इसके इसका मतलब है कि इसको ईमान और यकीन की दौलत से मालामाल करेंगे जी, कि अगर ख्वाब में देखा तो अल्लाह जो है इसकी दिल की आंख खोल देंगे और दिल की आंख और सर की आंख दोनों मिलके इसको हकीकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। सुभान अल्लाह, इसका मतलब है बेहतरीन बशारत। बहुत खूब।